गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको मधु पाटदोल लाला पटेल की लाइब्रेरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में यह बताया गया है कि आज़ादी से पहले गांव की स्थिति कैसी थी। गांव में एक लाइब्रेरी खुलता है और इसमें इसलिए खोला जाता है, गांव के मुखिया एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं और यह इसलिए खोला जाता है ताकि गाँव के लोग पढ़ लिख कर शिक्षित बने और साक्षर हो। तो बच्चों आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, सरकारी अफसर गांव वालों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? सरकारी अफसर गांव वालों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, गांव वालों पर अंग्रेजी में रोप जमाते थे और अनपढ़ होने का ताना देते थे। अगला प्रश्न, मुखिया ने गाँव वालों को क्या बताया? मुखिया ने गाँव वालों को लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय जिसमें किताबें रखी जाएंगी, अखबार रखे जाएंगे, लोग आकर यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को लाइब्रेरी या ग्रंथपाल को गांव वालों ने क्या नाम दिया और क्यों? लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को गांव वालों ने अपना ही नाम रख दिया। ये नाम लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू रखा, क्योंकि लाइब्रेरी और ग्रंथपाल नाम गांव वालों के लिए कठिन थे। अगला प्रश्न, लाला पटेल ने केशव भाई से क्या सीखा? लाला पटेल ने केशव भाई से पढ़ना सीखा। लाइब्रेरी बनने के बाद गांव वालों में क्या परिवर्तन आया? लाइब्रेरी बनने के बाद गांव वाले पढ़ने लगे, गांव के लोग साक्षर होने लगे। अगला प्रश्न, क्या सुनकर लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान हो गए और क्यों? केशव के मुख से यह सुनकर लोगों ने सरकारी हुक्म सुना कि मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है, तब लोग परेशान हो गए क्योंकि उन्हें चिंता होने लगी कि अब लाइब्रेरी कैसे चलेगी। अगला प्रश्न, लोगों की आंखों में चमक क्यों आ गई? लाला पटेल जब जोश में आ गए और उसने कहा, मैं अभी मरा नहीं जिंदा हूँ, लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा, आप चिंता ना करें। केशव भाई लाइब्रेरी चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर मस्जिद और गिरजाघर होंगे, बापू का सपना साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोगों ने गांव की लाइब्रेरी को लाला पटेल की लाइब्रेरी का नाम क्यों दिया? लोगों ने गांव की लाइब्रेरी को लाला पटेल का नाम इसलिए दिया क्योंकि लाला पटेल अनपढ़ किसान थे। उसने लाइब्रेरी में पढ़ना लिखना सीखा, किताब बाबू बने और इसको चलाया, इसलिए लोगों ने गांव की लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल लाइब्रेरी रखा। आशा स्पष्ट करे, लाइब्रेरी चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर मस्जिद और गिरजाघर होंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ लाला पटेल की लाइब्रेरी से ली गई है। इसका आशय यह है कि गांव के लोगों को साक्षर बनाएंगे